हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। आज हम क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 10 फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से। वाटर कहाँ से लेता है? वाटर लेता है रूट से। और सनलाइट और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। ठीक है, ये रहा इसका केमिकल रिएक्शन। अब हम कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में जान लें जो जानना जरूरी है। स्टीफन हेल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्लांट जो खाना बनाते हैं वो एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनाते हैं। इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आते हैं जैन इंजन हाउस, इन्होंने बताया कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद आते हैं जीन सेनिबियर और डी सेसार, इन्होंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर आते हैं जे आर मेयर, जिन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट ही को ही ये कैपेसिटी है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद आते हैं एफ एफ ब्लैकमैन, जिन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उन रिएक्शंस के नेम है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसे डार्क रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं। इन्होंने, ब्लैकमैन ने ही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, जिसे हम आगे जब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। है सी बी वॉन नील, रॉबर्ट हिल और एस रूबेन एंड एम कोमन का। इन तीनों ने बारी बारी से रिएक्शंस करके बताया कि ऑक्सीजन जो एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस। नील ने क्या कहा? नील ने सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन दिया और बताया कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से ही निकलता है। सबसे एडवांस रिएक्शन रूबेन और कोमन ने दिया, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज किया, ऑक्सीजन 18, और उन्होंने फिर बताया कि एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो वाटर से ही होता है। फिर आते हैं केल्विन और बेंसन, इन्होंने C3 साइकिल दिया, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में। इन्होंने कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने केडियम कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था। डेनियल ऑर्मन ने डिस्कवर किया था दो फोटो सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर। हैच और स्लेक ने C4 पाथवे बताया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का शुगर केन प्लांट में। पी मिटशेल ने कीमोस्मोटिक थ्योरी बताई फोटो फॉस्फोराइलेशन की। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट में समझ तो गए क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो बेसिकली जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के और जितने भी लीफ होते हैं उनमें क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। जनरली क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? मेसोफिल सेल्स में मिलता है। एक मेसोफिल सेल में करीब करीब 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल ऑर्गेनली है जो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है। ये मेम्ब्रेन किस चीज़ के बने होते हैं? ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो परमिएबल होते हैं,
जबकि इनर मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो परमिएबल नहीं होते हैं। ये तो हो गई क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन की बात। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इंटरनली भी देखा गया कि क्लोरोप्लास्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं ग्रेना, एक को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, वो हो गया हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो डीएनए पाया जाता है, इस चलते हम लोग क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली भी कहते हैं। एक और सेल ऑर्गेनली है जिसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, वो कौन सी है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर पूरा एक सिंगल मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थायलाकॉइड्स बोलते हैं। किसी किसी प्लेस पे थायलाकॉइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हो जाते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि कॉइन का एक स्टैक बना हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। और ये ग्रेना जो होते हैं ये यही सिंगल मेम्ब्रेन थायलाकॉइड से अटैच्ड होते हैं। इनमें ही पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ग्रेना जो है वो लाइट रिएक्शन का साइट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? वायलेट, ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम से। विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट का वो रेंज है, लाइट के वेवलेंथ का वो रेंज है जिसको हम देख पाते हैं, जो कहां से कहां तक रेंज करता है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक रेंज करता है। इस स्पेक्ट्रम को, क्योंकि इसी स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए इस रेंज के स्पेक्ट्रम को PAR कहा जाता है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। थायलाकॉइड के जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उनमें स्मॉल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाजोम्स बोलते हैं। इन्हीं क्वांटा, सच्चाई में तो यही है कि यही क्वांटाजोम्स जो है ये क्या है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक क्वांटाजोम में करीब करीब 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये जितने पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में जानना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। ठीक है, मेन ग्रीन पिगमेंट प्लांट का कौन सा है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टेरियो विरिडिन और बैक्टेरियो क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, केवल बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी को हम लोग एसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उसमें क्लोरोफिल बी की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो बात आती है कि सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की स्टडी किसने की? तो विल स्टोनर, स्टैल और फिशर ने 1912 में सबसे पहले क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता किया। क्लोरोफिल जो है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हेड पोरफायरिन रिंग का बना होता है और टेल फाइटोल चेन का बना हुआ होता है। चार पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना हुआ होता है पोरफायरिन रिंग, इसीलिए इसको टेट्रापायरोल रिंग भी हम लोग कहते हैं। टेट्रापायरोल रिंग के बीचों बीच मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है और फोर्थ पायरोल रिंग से एक अटैच्ड होता है लॉन्ग एल्कोहलिक चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग फाइटोल टेल बोलेंगे। फाइटोल टेल कहाँ है? फाइटोल टेल यहाँ से लेके ये पोर्शन और इसमें भी ये जो ये पोर्शन है ये पूरा, इसको हम लोग साथ में क्या नाम देंगे? ये दोनों क्या है? ये दोनों है फाइटोल टेल, एल्कोहलिक ग्रुप है, फाइटोल टेल है ये। ठीक है,
इसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स में कुछ डिफरेंस है। इनके केमिकल, पहला डिफरेंस तो आता है इनके केमिकल फॉर्मूला में। केमिकल फॉर्मूला क्या है क्लोरोफिल ए का? C55H72O6N4Mg। और इसका क्या है? C55H70O6N4Mg। डिफरेंस आपको कहाँ दिखा? क्लोरोफिल ए में दो हाइड्रोजन एटम ज्यादा है और क्लोरोफिल बी में दो हाइड्रोजन एटम कम है। उसके बाद क्लोरोफिल ए का जो पोरफायरिन रिंग होता है उसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, और क्लोरोफिल बी का जो पोरफायरिन रिंग होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप अटैच्ड होता है। क्लोरोफिल ए ब्लू कलर का पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी जो है वो हमारा येलो कलर का पिगमेंट है। इसके अलावा हम लोग कुछ और पिगमेंट्स के बारे में जान लें, जो कौन कौन से पिगमेंट है? कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स कहाँ मिलते हैं? ये भी प्लांट में क्लोरोफिल के साथ मिलते हैं। इनको हम लोग कहते हैं एसेसरी पिगमेंट, क्योंकि जो लाइट रेडिएशन क्लोरोफिल ए या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वो लाइट रेडिएशंस कौन एब्जॉर्ब करते हैं? कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आ जाता है दूसरा कैरोटीन्स। कैरोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा रेड कलर यही एब्जॉर्ब करते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है जो इनको इम्पॉर्टेंट बनाती है। इसके बाद आ जाते हैं ज़ैंथोफिल के पास। ज़ैंथोफिल या जिसको हम लोग कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं, ये येलो या ब्राउन कलर के होते हैं और कुछ एडिशनल फोटोसिंथेटिक और कुछ एडिशनल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो रेड और ब्लू ग्रीन अल्गी में मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोबिलिन्स कहते हैं। रेड कलर जो होता है वो फाइकोएरिथ्रिन के चलते होता है और ब्लू कलर जो होता है वो फाइकोसाइनिन के चलते होता है। आज के लिए इतना ही। नेचर ऑफ लाइट और फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। बाय स्टूडेंट्स।